आज हम आपको बैरियर टाउन फेस 3 के अंदर एक कनाल के डिज़ाइनर हाउस का जो है वो विज़िट कराएंगे। इस घर के अंदर टोटल जो है वो 5 रूम्स हैं और आए हम आपको अंदर से दिखाएंगे। ये हम जो ही एंटर होते हैं, ये इधर कारपोर्च है आपके सामने। इसके अंदर इजीली वी कैन फिट 2 कार्स। यू कैन सी देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन ओवर हियर, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेटेड वॉल बनी हुई है, उसके ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है। एज यू कैन सी द सीलिंग, ठीक है ना, एक बहुत खूबसूरत सी सीलिंग भी बनाई हुई है। वेलकम टू द हाउस। ये इस घर का जो बेसिकली ड्राइंग रूम है और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख रहे हैं, ड्राइंग रूम के बीच के अंदर ही एक फायर प्लेस दी गई है, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं एक फायर प्लेस भी है, डेकोरेटेड वॉल भी है, वी हैव ग्लास जो है पार्टीशंस ओवर हियर, विच इज़ गिविंग इट अ वेरी स्पेशियस लुक। आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग है हमारे पास, इधर नीचे सॉलिड वुड का फ्लोर बने हुए हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त कलर स्कीमिंग हुई भी है पूरे घर के अंदर। इस वक्त हम जो हैं किचन, हमारे राइट साइड पे किचन है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं दिस इज़ अ टीवी लाउंज, ठीक है। वी हैव 2 रूम्स ओवर हेयर। मैं आपको फ्लोर प्लान के हवाले से बताता चलूँ, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो हैं वो 2 रूम्स हैं। There is a drawing room and a kitchen of course, and then we have a small swimming pool over here which we are going to show you। और इसके अलावा जो है, जो हमारे पास ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर के अंदर हमारे पास वी हैव 3 रूम्स ओवर देयर। सो इट इज़ अ कम्प्लीट हाउस। लेट मी शो यू द किचन नाउ। किचन के अंदर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एसेसरीज और लगी हुई हैं, और जो है जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हायर का एक फ्रिज लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो जितनी भी फिटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, टॉप नॉच फिटिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं प्रॉपर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्स्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इस घर के। ये किचन जो है वो बहुत स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर दिया गया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फिक्स्चर्स हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के लगाए गए हैं, सिग्नेचर के, माइक्रोवेव, ओवन, हर चीज़ जो है ना इसके अंदर फिक्स की गई है ऑलरेडी। ये एक जो है वो हमारा डर्टी किचन जो है वो बिल्कुल साथ है, आप देख सकते हैं इन्होंने डर्टी किचन भी इधर दिया हुआ है, ठीक है। इधर से बिजली वाली जो एली होती है गली, उसकी भी एक्सेस जो है वो इधर बनाई गई है। सॉलिड वुड का सारा काम किया गया है, आप देख सकते हैं। किचन जो है वो इट्स नॉट एन ओपन किचन, ठीक है, इतने बड़े घर के अंदर एक ओपन किचन नहीं दिया हुआ, ये बिल्कुल एक क्लोज किचन जो है वो बनाया गया है इधर। ये इसका पहला बेडरूम है घर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी नीचे जो है वो वुडन फ्लोर लगाया गया है, सामने जो है बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये बेड साइड बेसिकली फिटिंग्स हैं,
और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बड़ा विजिबल सा मिरर है। ग्राउंड वाले फ्लोर के ऊपर जो मास्टर बेड है उसके साथ ये अटैच वॉशरूम है। आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर एक जो है वो बाथ टब भी दिया गया है। अलहदा कंपार्टमेंट है फॉर शॉवर रूम एज वेल। शॉवर रूम एक बनाया गया है, दो जो है इसके अंदर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है दो जो है वो वॉश बेसिन वगैरह लगाए गए हैं। जो सबसे ज़बरदस्त बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को भी कि वो जो है ना वो फुल मिरर की कमी होती है। तो बेसिकली जो वार्डरोब दी हुई है वो है ही फुल मिरर के साथ बनी हुई। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं हाई एंड चीज़ें जितनी भी हैं, फिक्स्चर्स जो हैं वो हाई एंड यूज़ की। सेकेंड बेडरूम है जो कि नीचे वाले कमरे में है। इसके अंदर भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइलिंग हुई हुई है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शैंडलियर्स लगे हुए हैं। वुडन जो है वो पैनलिंग की गई हुई है प्रॉपर तरीके से। वॉशरूम ज़बरदस्त किस्म का स्पेशियस वॉशरूम है। आप जैसे कि देख सकते हैं अंदर वार्डरोब्स भी दी गई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मार्बल यूज़ किया गया है। घर का असल तभी पता चलता है जब आर्किटेक्ट ने हर जगह को स्पेशल तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास के साथ जो है वो कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, साथ स्पॉटलाइट्स भी लगाई हुई हैं। इट गिव्स अ रियली नाइस लुक टू द हाउस एक्चुअली। और जैसे कि आपको पता है कि घर में जितने शीशे दिए गए हैं इट जो है ना घर में इतने जो ज़्यादा शीशे दिए गए हैं उसकी वजह से घर जो है वो बहुत लिट है। हर तरफ से रोशनी आ रही है घर के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक यू अपस्टेयर्स। हमारे पास ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर तीन बेडरूम्स हैं और एक स्मॉल ओपन किचन है। वी हैव अ स्टोर रूम ओवर हेयर। जो एक मास्टर बेडरूम है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वॉक इन वार्डरोब बनाई गई है। वार्डरोब्स ऐसी हैं कि दे आर मिरर्ड फ्रॉम द फ्रंट ताकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिरर लगाने की ज़रूरत न पड़े। इसके अलावा जो वॉशरूम है दैट इज़ वेरी स्पेशियस and we have two other rooms as well and they're very nice as you can see. I'll show you around. आपको पता चलेगा कि रूम जो है वो हर रूम जो है वो एक अलग थीम से तैयार किया गया है। दिस इज़ अ प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस एंड यू कैन सी द फ्लोरिंग ओवर हेयर। इट्स वेरी नाइस। दिस वाइट फ्लोरिंग, दिस क्रोमेटिक फ्लोरिंग गिव्स यू अ वेरी स्पेशियस लुक ऑल ओवर। आप देख सकते हैं कि बैल्कनी है, बैल्कनी के ऊपर भी जो है वो फायर प्लेस वगैरह बनाई गई है प्रॉपर। This is a sitting area as well. You can have a small gathering over here as well. And here we have a mini theater over here. हम इधर proper जो है वो projector भी लगा हुआ है। हम इसके ऊपर जो है वो एक mini theater बना सकते हैं। You can sit over here. You can place your chairs over here. We can do a lot of things in this room. So this is. This is a very special bedroom. ये हम आपको दिखाते हैं। इस bedroom के अंदर जो है वो special जो है वो नीचे flooring की गई हुई है, उसको theme के साथ match किया गया है proper wooden paneling जैसे कि आपको नज़र आ रही है। We have chandeliers over here. We've used a lot of mirrors over here so that के जो है ना वो रोशनी हर तरफ से जो है ना वो कमरे के अंदर आए। फिर ये एक open space दी हुई है, इसको जो है वो open रखा गया है, ठीक है। ऊपर छोटी सी lights भी लगाई गई हैं सो दैट अगर आप इधर जाके कोई चीज़ मतलब बैठ भी सकते हैं। यू गेट एयर फ्रॉम देयर एज वेल। काफ़ी लेटिंग